और इसका मैजिक तो देखिए बिल्कुल लगाते के साथ ही साफ हो रहा है। कोई मेहनत नहीं, कोई झंझट नहीं। अभी तो मैंने कुछ करा ही नहीं, बस हल्का सा अप्लाई करा है और रिजल्ट आप खुद देखिए। इसे तो मैंने इसलिए वॉश नहीं किया कि इनके साथ में रख करके ना पता लगे कि हाँ वाकई में ही कितने ही काले थे। और अब इनका रिजल्ट आप देखिए, बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट है, और वो भी इतने कम में, मात्र 5 रुपये। जब मैंने इन बर्तनों को क्लीन करा ना, तो बाद में मुझे अपनी गलती एक रियलाइज हुई। आपको बताना बहुत जरूरी है, बताऊंगी वीडियो में, बने रहिएगा। फ्रेंड्स, दिवाली ना बिल्कुल पास ही में है, और अब ना ये जो हमारे पीतल तांबे के डेकोर आइटम्स होते हैं ना, इनको निकालने का टाइम आ गया है। ये जो दादी नानी ना पहले टाइम में लेकर के रखती थी। एनीवेज, मेरे तो दादी नानी वाले बर्तन या डेकोर आइटम नहीं है ये, मेरी तो मदर इन लॉ के हैं। देखिए कितने ज्यादा काले हो रहे हैं ना, अगर हम इनको सही तरीके से नहीं रखे ना, तो इनका यही हाल हो जाता है। आप ना इस तरह की कोई भी एक डिप ट्रे ले लीजिए, और उसमें एक एक करके हम इन सभी डेकोर आइटम्स को या यूटेंसिल को ना क्लीन करेंगे। इस वीडियो में क्लीन करने के साथ साथ ना मैं वो सारी ही प्रॉब्लम्स आपके साथ में डिस्कस करूंगी कि जो मुझे क्लीन करने के दौरान में आई। और इस तरह की क्लीनिंग में ना हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर ना आप डाल दीजिए गर्म पानी, नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हैं। लीजिए अब एक कोई भी कांच का बाउल, कांच का बाउल ज्यादा जरूरी है। कोई भी दूसरा आप यूटेंसिल लेंगे ना, तो हो सकता है उस पे स्टेन पड़ जाए। स्पॉन्ज को भी ना गीला कर लीजिए और बहुत अच्छे से स्क्वीज कर लीजिए। और बस आप ना इस पाउडर को लेकर के आपको ना अपने सरफेस पे जहां भी काला है वहां पर अप्लाई करना है। और इसका मैजिक तो देखिए बिल्कुल लगाते के साथ ही साफ हो रहा है। कोई मेहनत नहीं, कोई झंझट नहीं। अभी तो मैंने कुछ करा ही नहीं, बस हल्का सा अप्लाई करा है, और रिजल्ट आप खुद देखिए। ये जो पुराने डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं ना, इनमें कारीगरी जो होती है बहुत ही बारीकी से होती है। तो उसके लिए ना आप देखिए, ये जो टूथब्रश होता है, इससे अगर क्लीन करेंगे तो अंदर जो बहुत ही छोटे छोटे से पार्ट्स में ना ब्लैकिश जम गई है आपकी, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। रिजल्ट तो भाई आपके सामने ही है। देखिए कोई ऐसा पार्ट अगर बहुत जल्दी से आसानी से साफ नहीं हो रहा ना, तो इस स्क्रबर को आप ले लीजिए। वही है लोहे वाला स्क्रबर जो हम यूज करते हैं अपने बर्तनों के लिए। और जिस पार्ट में आपके बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा काला है, नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर इससे रगड़ेंगे ना, तो विद इन अ सेकेंड्स ना आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिखेगा। मेहनत तो देखिए है, बट मेहनत भी वो वाली नहीं है कि हाँ बस हम लेकर के लगे पड़े हैं, रगड़े जा रहे हैं, कुछ हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर भी हम घंटों तक इसमें लगे हुए हैं। बस आप स्टार्ट करेंगे ना काम करना, तो तुरंत की तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। अंदर से जब हमें रिजल्ट मिलता है ना किसी भी चीज का, तो खुद पर खुद मोटिवेशन आ जाता है, अरे इसे पूरा ही क्लीन करके हम रखेंगे। और एक एक करके ना मैंने इन सारे ही जितने भी यूटेंसिल और डेकोर आइटम थे ना, इन सभी को क्लीन कर दिया। जब मैंने इन बर्तनों को क्लीन करा ना, तो बाद में मुझे अपनी गलती एक रियलाइज हुई। आपको बताना बहुत जरूरी है, बताऊंगी वीडियो में, बने रहिएगा। अब ना बस इन्हें आप रनिंग वाटर में धो लीजिए बहुत अच्छे से, जिससे कि ना जो भी सॉल्यूशन इनके ऊपर लगा हो बहुत अच्छे से निकल जाए। धोने के बाद ना आपको लगे कि हाँ कहीं कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, या अच्छे से नहीं चमका है, तो आप तुरंत की तुरंत उस पर दोबारा से अप्लाई कर दीजिए, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद भी ना मैंने एक बार इन पर जो नॉर्मली हम डिशवॉशर यूज करते हैं उससे भी एक बार क्लीन किया। इसे तो मैंने इसलिए वॉश नहीं किया कि इनके साथ में रख करके ना पता लगे कि हाँ वाकई में ही कितने ही काले थे। और अब इनका रिजल्ट आप देखिए, बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट है, और वो भी इतने कम में, मात्र 5 रुपये। 5 रुपये में होता है, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये पाउडर की कॉस्ट टोटल 20 रुपीज है, और ये बहुत ही कम पाउडर लगा है। देखिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ये रिफ्लेक्ट कंपनी का जगमग।
अब ये कंपनी दावा करती है कि ये 6 यूटेंसिल्स पर वर्कआउट करता है, सिल्वर, स्टील, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम और आयरन। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा ये पैकेट मैंने डीमार्ट से लिया था और तब भी इसकी कॉस्ट मैंने आप लोगों को शेयर की थी, केवल 20 रुपीज़ में मुझे ये पड़ा था वहाँ से। इससे पहले इन यूटेंसिल्स को मैं करती थी होममेड सॉल्यूशन से क्लीन। अगर आप चाहते हैं वो होममेड सॉल्यूशन, मैजिकल होममेड सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, तो उसके लिए आपको करने होंगे भर भर के कमेंट्स और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। इन्हें धोने के बाद ना बिल्कुल भी गीले मत छोड़िएगा, वहीं से स्पॉट आ जाएगा। बहुत अच्छे से इनको आपको वाइप करके रखना है। देखिए पास से भी आपको दिखा देती हूँ कितने ज़्यादा ये चमक रहे हैं। इन्हें चमकाने में ना तो मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और ना ही मेरा बहुत ज़्यादा पैसा। 5 रुपये ना बहुत ही कम होते हैं आज की डेट में, तो हुआ ना ये नो कॉस्ट टाइम सेविंग दिवाली डेकोरेशन आइडियाज। चलिए बताती हूँ कि मैंने क्या गलती कर दी। देखिए आपने ध्यान दिया हो कि मैंने ये सारे ही यूटेंसिल्स पहले अच्छे से क्लीन किए और उसके बाद में इनको लास्ट में सबसे तीनों को वॉश किया। बट आप इस तरह से मत कीजिएगा, एक एक यूटेंसिल क्लीन कर करके ही ना उनको वॉश करिएगा साथ के साथ। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया जिस यूटेंसिल को मैंने कुछ टाइम के लिए रख दिया तो उस पर ना बीच बीच में कहीं कहीं पर स्पॉट आ गए, जिसे मुझे दोबारा से क्लीन करना पड़ा। देखिए मैंने ना एक प्लास्टिक की डिप ट्रे ली थी और इस वक्त इस पर कोई भी स्पॉट नहीं है और मुझे अपना ये क्लीनिंग का काम अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम के लिए ना रोकना पड़ा। क्योंकि हुआ ये कि मेरी बेटी वान्या के ना अचानक से चोट लग गई। देखिए कुछ टाइम के लिए अगर ये सॉल्यूशन ना इस ट्रे में पड़ा ही रहेगा तो इस ट्रे में काफ़ी सारे स्पॉट्स आ जाएंगे, तो बेटर ये है कि आप जल्दी से जल्दी एक एक यूटेंसिल क्लीन करिए और जो भी ये गंदा पानी है ना और इससे साफ पानी से क्लीन करते रहिए, आपके ना ट्रे पे किसी भी तरह का स्पॉट नहीं आएगा। नहीं तो आप इन्हें डायरेक्ट किचन सिंक में यूज़ करिए, वो स्टील का बेसिकली होता है, तो जिस स्टील के लिए ये जो सॉल्यूशन है इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा स्टील पर। प्लास्टिक के लिए बेसिकली नहीं है तो इसलिए प्लास्टिक पर ना स्पॉट आ गए। तो आप इन गलतियों को मत कीजिएगा। मेरे साथ जो हुआ मैंने आपके साथ में ऑनेस्टली एक्सपीरियंस शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, क्योंकि दिवाली नियर बाय है और सभी को इस तरह की वीडियो की ना ज़रूरत होती है। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।